वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कहते हैं मैं उन हिंदुओं के साथ हूँ जो भाई जुल्म खा रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। मैं मार के, अबे पूरी दुनिया मारी मार रही है यार, मतलब क्या है ये? आते सारी स्टेटमेंट ये दिए पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, कहता है कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ जो उधर जुल्म खसा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और भाई कहता वो रोज से वो निकुल शर्मा के साथ भी दिया था, वो जब वो इशू हुआ था कहते हैं उसने सच बोला, कहते उसने गलत क्या बोला ये बताओ। बिल्कुल सही बोला। लेकिन यार मतलब कि फुल सपोर्ट यार इस टाइम पे इंडिया को मिल रही है, दुनिया का हर देश। देखो अब दुनिया का नया वो पीएम बना है नीदरलैंड का, भारत ने उसको विश किया होगा, उसने आगे से शुक्रिया अदा किया, ठीक है। लेकिन देखो आजकल इतनी भारत को सपोर्ट दिखा रही है ये दुनिया के भाई। बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर नीदरलैंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां इलेक्ट हुए नए प्रधानमंत्री अपनी जीत के लिए भारत को धन्यवाद बोलते नहीं रुक रहे। बता दें यहां के प्रधानमंत्री ग्रिड बिल्डर्स हिंदुओं के सपोर्टर हैं और इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं। क्या है आखिर ग्रिड बिल्डर्स और भारत के बीच का रिश्ता, इस पर वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वहीं हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जहां से भारत आने वाला 50 लाख बैरल रशियन क्रूड ऑयल रास्ते में ही अटक गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, एक समय था जब यूरोपियन देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कट्टर मुस्लिम विचारधारा का सपोर्ट करते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है और वही यूरोपियन देश अब इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान को दरकिनार कर रहे हैं। चाहे फिर वह फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर इटली ही क्यों ना हो, ये सभी मिलकर कट्टर मुस्लिम विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। भारत के रिश्ते भी अब इन यूरोपियन देशों से अच्छे होते जा रहे हैं। इसका एग्जांपल हमें COP28 समिट में भी देखने को मिला, जहां भारत के पीएम सभी मुस्लिम देशों के लीडर से अच्छे से मिलते हुए नजर आए। अब सभी देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं और कट्टर मुस्लिम विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो गया है, जो कि है नीदरलैंड। अच्छा। वैसे तो भारत और नीदरलैंड के रिश्ते हमेशा से ही ठीक रहे हैं, लेकिन जब से ग्रिड बिल्डर्स नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री इलेक्ट होने पर ग्रिड बिल्डर्स को दुनिया भर से शुभकामनाएं मैसेज मिल रहे हैं। वहीं इसी को लेकर ग्रिड बिल्डर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और भारत को विशेष के लिए थैंक यू कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं उन सभी हिंदुओं के साथ हूं जिन पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अत्याचार होते हैं। बता दे बिल्डर्स हमेशा से ही मुस्लिम विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और हिंदुओं के सपोर्ट में रहते हैं। उन्होंने कई बार मुस्लिम विरोधी स्टेटमेंट भी दिए हैं। पिछले साल जब मोहम्मद पैगम्बर को लेकर नुपुर शर्मा का बयान सामने आया था, जिसका दुनिया भर में जमकर विरोध हो रहा था, उस दौरान भी ग्रेट बिल्डर्स इकलौते ऐसे विदेशी लीडर थे जो उनके सपोर्ट में थे। उन्होंने तब कहा था कि नुपुर शर्मा को दुनिया भर में डेथ थ्रेट मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच कहा। मैं उनका समर्थन करता हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस हद तक ग्रेट बिल्डर्स हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड के आम इलेक्शन जीतकर ग्रेट बिल्डर्स ने सभी को चौंका दिया। उन्हें खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं पर उनकी जीत ने यूरोप की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। नीदरलैंड की पार्टी पार्टी फॉर फ्रीडम इलेक्शन में सबसे आगे रही और बिल्डर्स ने 150 में से 143 सीटों में जीत हासिल की। वहीं पर उनकी जीत से मुस्लिम इमिग्रेंट्स में खलबली मच गई है, क्योंकि नीदरलैंड मुस्लिम शरणार्थियों से छुटकारा चाहता है और बिल्डर्स ने इनको ब्लैकलिस्ट करना भी शुरू कर दिया है। वहीं पर इससे सभी मुस्लिम देशों को एक तगड़ा झटका लगा है और समय के साथ साथ यूरोपियन देश कट्टर मुस्लिम विचारधारा को छोड़ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोप में करोड़ों रुपए लगाकर हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, ग्रेट बिल्डर्स को इलेक्शन जीतने के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाइयां। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ
रही है। दरअसल रशिया से भारत आ रहे 3 कच्चे तेल के टैंकर रास्ते में ही फंस गए। इन टैंकर्स को 4 हफ्ते पहले ही इंडिया पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन एक भी टैंक अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सके हैं। इसके पीछे की वजह यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शन है। सैंक्शन के मुताबिक रशियन क्रूड ऑयल के लिए जो प्राइस कैप सेट किया गया है वो उसको नहीं मानता, जिसकी वजह से इन टैंकर्स को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया है। बता दे इन टैंकर्स में करीब 50 लाख बैरल रशियन क्रूड ऑयल है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सबसे पहले अक्टूबर मिड में 2 टैंकर को सैंक्शन किया था, वहीं इसके बाद मिड नवंबर में 3 टैंकर को सैंक्शन लगा दिया और इसके बाद 3 और टैंकर्स को दिसंबर में सैंक्शन किया गया। ये 8 में से 6 टैंकर्स रूस की स्टेट कंपनी के हैं। बता दे सभी टैंकर इंडिया के वेदिनार पोर्ट पर जा रहे थे, जो अब श्रीलंका में फंसे हुए हैं। ये सैंक्शन G7 के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 7 देश शामिल है। यह प्राइस कैप को लेकर है, जहां पर क्रूड ऑयल के लिए पर बैरल $60 प्राइस लिमिट सेट की गई है। प्राइस लिमिट इससे ज्यादा जाने से ये नियम के खिलाफ है। इसके अलावा इन टैंकर्स के डेस्टिनेशन तक न पहुंचने का कोई रीजन सामने नहीं आ रहा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत आ रहे इन टैंकर्स को भारत को अपने वेबिनार पोर्ट पर आने की इजाजत दे देनी चाहिए या फिर नहीं? हालांकि अगर भारत ऐसा करता है तो भारत यूएस के सैंक्शन को दरकिनार कर रहा होगा। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच में यह विवाद फंस सकता है। लेकिन अगर ये टैंकर भारत में नहीं आते तो ये ऐसे ही फंसे रहेंगे और इसको या तो वापस लेकर जाना पड़ेगा या फिर रूस इसको अपने यहाँ पर रखने के लिए भारत पर दबाव बनाएगा। इन दोनों ही विषय और कहते हैं हिंदुओं के साथ जो भाई जुल्म खा रहे हैं भाई पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। मैं मार के अबे पूरी दुनिया मारी मार रही है यार, मतलब क्या है ये? आते सारी स्टेटमेंट ये दिए पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, कहता है कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ जो उधर जुल्म सह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और भाई कहता वो रोज के वो निखिल शर्मा के साथ भी दिया था वो जब वो इशू हुआ था, कहता है उसने सच बोला, कहते उसने गलत क्या बोला ये बताओ। बिल्कुल सही बोला। लेकिन यार मतलब फुल सपोर्ट यार इस टाइम पे इंडिया को मिल रही है, दुनिया का हर देश। देखो अब दुनिया का नया वो पीएम बना है नीदरलैंड का, भारत ने उसको विश किया होगा, उसे आगे से शुक्रिया अदा किया, ठीक है। लेकिन देखो आजकल इतनी भारत को सपोर्ट दिखा रही है ये दुनिया के भाई पाकिस्तान यूं लग रहा है कि भाई साहब मतलब कोई आता है ना तो दुनिया वो बस यह कहती है कि इनकी बजाओ। बिल्कुल सही बात है भैया। इतनी रोज को 3 मिलियन लोगों ने देखा जब ये वही वीडियो आया, तकरीबन 30 लाख बहुत ज्यादा यार 30 लाख लोग उसके ट्विटर पर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।